पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अधिकारियों को एक बार फिर चेताते हुए कहा कि जो अधिकारी राजनीतिक संरक्षण के चलते भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं वे सावधान रहें, उन्हें 10 तारीख के बाद प्रमाण दिया जाएगा। कमलनाथ ने चुनाव आयोग पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ ने कहा कि सुमावली, मुरैना, मेहगांव सहित अन्य उपचुनाव वाले क्षेत्रों में भाजपा के लोगों ने हिंसक घटनाओं के माध्यम से और गोली चलाकर बूथ कैप्चरिंग की, उन्हें इसके लिए खुलेआम पुलिस और प्रशासन का संरक्षण मिला। इन सारी घटनाओं की वीडियो और खबरें विभिन्न प्रचार माध्यमों से सामने आई हैं, लेकिन दुखद है कि चुनाव आयोग ने शिकायतों और प्रमाणों के बाद भी ऐसे बूथों पर पुनर्मतदान करवाना उचित नहीं समझा। इस तरह की घटनाओं पर आपराधिक मामले भी दर्ज नहीं किए गए। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि पुलिस और प्रशासन द्वारा ऐसे तत्वों को खुलकर मदद की गई, उनकी मूक सहमति से ही यह सब घटित हुआ है। उन्होंने कहा कि जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक संरक्षण में अपने दायित्वों का निष्पक्षता व ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, वे ये जान ले कि कोई भी राजनीतिक संरक्षण कभी स्थायी नहीं होता। नवंबर को उपचुनाव में सुमावली, मुरैना और मेघाओं में बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, गोलियां चली, बूथ कैप्चरिंग हुआ, और मुझे दुख इस बात का है कि इस सब का पूरा प्रमाण और सबूत वीडियो और विभिन्न प्रचार जो इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने फिर से रीपोलिंग नहीं कराई, अधिकारियों ने इनको संरक्षण दिया, आज तक संरक्षण दे रहे हैं। मैं तो ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस आज सोचते हैं कि ये राजनीतिक संरक्षण स्थायी होता है, वे सावधान रहें, क्योंकि आज इस सब चीज़ों का प्रमाण मौजूद है और 10 तारीख के बाद ये प्रमाण सामने लाया जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।